कर रहा था, मैंने एक वो पिकअप रुकवाई थी और पिकअप में रुकवा करके उसे जिला अस्पताल भिजवाया, उसे पानी वानी दिया था पीने के लिए, उन्हें अस्पताल भिजवा दिया था। तो क्या मानते हैं लॉकडाउन में क्या एम्बुलेंस? लॉकडाउन के दौरान 108 102 एम्बुलेंस की करतूत ने ले ली गर्भवती महिला की जिंदगी। उत्तर प्रदेश में तमाम इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवाओं पर तैनात कर्मी किस हद तक हठधर्मी पर है, इसका जीता जागता सबूत है आज एम्बुलेंस 102 और 108 की करतूत का शिकार लॉकडाउन से एक बेबस पति अपनी पत्नी की जिंदगी को नहीं बचा सका। किसी तरह वो अपनी पत्नी को एक ठेली से अस्पताल ले जाने पर मजबूर कर दिया गया। रास्ते में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की इंसानियत जागी और उसके सहयोग से एक पिकअप पर लाद कर जिला अस्पताल पहुंचा ही था कि उसकी पत्नी, गर्भवती पत्नी ने दम तोड़ दिया। एक साथ दो जाने ठिकाने लग गईं। महिला की मदद करी, एक महिला आ रही थी ठेली से और वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाली थी, तो अस्पताल जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही थी उन्हें। मैं रोडवेज पे ड्यूटी कर रहा था, मैंने एक वो पिकअप रुकवाई थी और पिकअप में रुकवा करके उसे जिला अस्पताल भिजवाया, उसे पानी वानी दिया था पीने के लिए, उन्हें अस्पताल भिजवा दिया था। तो क्या मानते हैं लॉकडाउन में क्या एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ पाई थी क्या? शायद एम्बुलेंस वगैरह उन्हें कुछ नहीं मिल पाई थी, तो मेरी जितने जेस लायक में था उन्हें मदद करके और अस्पताल भिजवाया था मैंने। दरअसल ऐसे मामले शाहजहांपुर में ही नहीं आपको पूरे राज्य में देखने को मिल जाएंगे, जहां लॉकडाउन के चलते कोई वाहन न उपलब्ध होने से गर्भवती महिलाओं और बच्चों बुजुर्गों की मौत हो रही है। मामला शाहजहांपुर का है, जहां आज लॉकडाउन के दौरान मानवता को तार तार करती हुई दिल झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल गर्भवती महिलाओं समेत सभी इमरजेंसी के लिए 108 102 एम्बुलेंस सुविधा के नाम पर सैकड़ों एम्बुलेंसें तैनात की गईं, लेकिन आज शाहजहांपुर में 108 102 एम्बुलेंस ने सारी मानवताओं को तार तार करते हुए गर्भवती के पति की कॉल रिसीव ना करके गर्भवती को मौत के घाट उतार दिया। ये मामला शाहजहांपुर के मोहल्ला MNJE जलालनगर थाना सदर बाजार का है, जहां आज दोपहर आसिफ की अंजुम को दर्द की शिकायत हुई। जब पेट दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो जिला अस्पताल ले जाने के लिए उसने तत्काल डायल 108 102 को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन न उठने और लॉकडाउन के चलते कोई सवारी न मिलने की वजह से वो मोहल्ले से किसी की ठेली उठा लाया और उस पर वो अपनी पत्नी को लाद कर चल दिया। तो हमने दो तीन बार फोन करा, दो बार फोन मेरे कने आया और उधर से गाड़ी भी सब खाली आ रही थी, गाड़ी वाले ने हाथ नहीं रोकी गाड़ी, पहले और गाड़ी में पहुंच के मैंने हाथ दे तेरे गाड़ी, बोले मैं सवारी लेने जा रहा हूँ। लेकिन अस्पताल पहुंचा डॉक्टरों ने गर्भवती को मृत्यु घोषित कर दिया। और जो भी कॉल साथी उस पर हम लोग पूरा डेडिकेट हो गए, रजिस्टर पे काम। हाँ, जो भी कोई भी अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसकी जगह हम बैकअप रखे हुए, तुरंत उसकी जगह बैकअप मास्क करा देते हैं, बन के फिर आती है। फिर जानकारी अभी अभी मिली है, इसकी मैं जांच कराऊंगा, पता करूंगा क्या कहा क्या कम।